मास्टर साहब एक लाइन गीत लगा। गीत बदल गई मास्टर। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को होली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो दोस्तों, आज के स्टार्टिंग में जो आपने प्रीव्यू देखा है, जो कि दोस्तों होली स्पेशल था, तो आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं आपको इसी तरह का कमाल का होली डीजे स्टेटस, जो कि दोस्तों आप बना सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जिस कारण की वजह से मैं आज की इस वीडियो में आपको पासवर्ड दिया हूं। दोस्तों, पासवर्ड देने का मेरा एक ही कारण है, मैं वैसे किसी पास वीडियो में पासवर्ड नहीं देता हूं, लेकिन गाइस इस वीडियो में आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो प्रॉब्लम फेस वो क्या हो रहा है गाइस, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं, मैंने कल वीडियो एक अपलोड किया था जो कि गाइस 10 मिनट से ऊपर का था, लेकिन जो एवरेज ड्यूरेशन व्यूज़ है सिर्फ 27 सेकेंड आया है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि वीडियो को बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन गाइस जब एवरेज ड्यूरेशन व्यूज़ कम आता है ना, तो गाइस दिल को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। दोस्तों, इसलिए गाइस आज की इस वीडियो में मैं ये देखने के लिए पासवर्ड डाला हूँ, गाइस देखता हूँ कि आज की इस वीडियो में मुझे एवरेज व्यू कितना मिलता है। तो इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। पासवर्ड आपको 3 स्टेप में बताया जाएगा, पहला स्टेप आपको अभी मैं शो कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको वीडियो में सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप बोल के बताएंगे, या दोस्तों टाइप भी कर देंगे, आपकी स्क्रीन पर शो होगा, नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, और आपको हम बताएंगे कैसे आप बना सकते हैं इस तरह का कमाल का डीजे स्टेटस। तो दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग बिटमार्क सेकिफेट नाम का दो लिंक मिलेगा, उसे आपको इम्पोर्ट करना अपने अलाइट मौसम। दोस्तों, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा, जो कि 3 स्टेप में बताया जाएगा। पहला स्टेप आपको हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जब आप अपना सॉन्ग बिटमार्क सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेंगे अपने अलाइट मोशन में, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उस प्रोजेक्ट पर चले जाना है। प्रोजेक्ट पर जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सॉन्ग बिटमार्क गर्ल वीडियो बाय सूरज प्रजापति टेक्निकल। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर जो वीडियो क्लिप ऐड होने वाला है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ठीक है। और दोस्तों, आगे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि गर्ल का वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो भी मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इसको क्लिक करेंगे सॉन्ग बिट मार्क को, तो इसी में आपको एडेड मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, ठीक है, आपको इस पर गाइस पहले फोटो ऐड करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो प्लस दिख रहा है आपको प्लस पे क्लिक करना है, और मीडिया पर जाना है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है बॉक्स, बॉक्स नीचे आपको नाम दिखेगा, ठीक है। इस नाम पर जब आप क्लिक करें तो आपकी गैली का सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, आपकी गैली पर जिस जहाँ पर रखे रहेंगे वहाँ से आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फिल कप्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आपको पासवर्ड यहीं पर स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एरो पे क्लिक करना है और बचे हुए भाग को इस तरह से कट कर देना है। दोस्तों, आपको क्या करना है, अब जहाँ जहाँ बीट दिख रहा है बीट के हिसाब से आपको सभी जगह फोटो को ऐड कर देना है। मैं आपको बताता हूँ कि जो वीडियो होने वाला है, कि वीडियो क्लिप कहाँ कहाँ पर आपको ऐड, कहाँ पर जो वीडियो क्लिप है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो 8:14 पर वीडियो क्लिप है, यहाँ पर आपको अपना फोटो ऐड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद गाइस जो गर्ल वाला गर्ल का वीडियो है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 24:3, ठीक है। तो 24:3 से लेकर के, ठीक है, 24:3 से लेकर के आपको यहाँ दिख रहा है आपको 30:14 तक हमारा गर्ल्स का वीडियो ऐड है, ठीक है। तो यहाँ छोड़ करके, दो जगह को छोड़ करके आपको बाकी सभी जगह फोटो को ऐड कर देना है, ठीक है। तो मैं गाइस फटाफट से फोटो को ऐड कर लेता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीट के हिसाब से हमने सभी जगह फोटो को ऐड कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर फोटो इस तरह से ऐड कर देना है। दोस्तों, तो आपको सेकेंड जो पासवर्ड है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, दोस्तों, तो आपको
फर्स्ट पासवर्ड, सेकेंड पासवर्ड एंड थर्ड पासवर्ड तीनों को कलेक्ट करके जब आप करेंगे टाइप तो आपका जो सॉन्ग बिट मार के सीधे आपको इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इंपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बिट के हिसाब से फोटो को ऐड कर दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर अब इफेक्ट लगाना। ठीक है, तो इफेक्ट लगाने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक नंबर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बैक करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा चेक इफेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिले जो पहला वाला इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर बैक करना है आपको और बैक करना आपको 100 बिट मार्क में आ जाना है। दोस्तों 100 बिट मार्क में आ जाने के बाद आपको स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक नंबर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोटो रहेगा आपको क्या करना पड़ेगा, इसी फोटो पे आपको क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। फिर से आपको एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको दी जाएगा दो नंबर। ठीक है, तो आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर अपने सेक इफेक्ट में चले आना है। दोस्तों एरो पे क्लिक करके आपको आगे आना है और यहाँ पर आपको दी जाएगा जो कि दूसरा वाला है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कॉपी करने के बाद आपको बैक करना है और अपने सेक यहाँ पर दिख रहा है 100 बिट मार्क में चले आना है। फिर से इसमें आने के बाद आपको एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, और स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है। ठीक है दोस्तों, नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दो नंबर, जिसके ऊपर जो फोटो है आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो पे क्लिक कर देना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ये हमारा हो जाएगा। फिर आपको एरो पे क्लिक करना है और नीचे आपको आना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा तीन नंबर। ठीक है, तो आपको बैक कर लेना है और बैक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सेक इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1, 2, 3, यानी कि टोटल हमारा 8 इफेक्ट है। तो 8 नंबर में से ये तीसरा वाला इफेक्ट। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके आपको इस तरह से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कॉपी करने के बाद आपको बैक करना है, अपने 100 बिट मार्क में आ जाना है। दोस्तों 100 बिट मार्क में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा तीन नंबर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है आपको, इस दोनों फोटो में आपको यही इफेक्ट लगा देना है। इस फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक कर पेस्ट कर देंगे। फिर आपको एरो पे क्लिक करके आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाता है जो कि हमारा आएगा इस चार नंबर। ठीक है, तो आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको सेक इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 1, 2, 3 यानी कि चौथा वाला इफेक्ट आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको बैक करना है, अपने 100 बिट मार्क में आ जाना है। दोस्तों 100 बिट मार्क में आ जाने के बाद आपको एरो पे क्लिक करना है। ठीक है, एरो पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को जाता है चार नंबर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोटो है गाइस, ठीक है, इसके ऊपर जो फोटो है आपको इस फोटो पे क्लिक कर देना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक कर पेस्ट कर देना है। फिर आपको एरो पे क्लिक करना है गाइस, एरो पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको दिख जाएगा पाँच नंबर। ठीक है, आपको नंबर भी याद रखना है जो कि 3-3 तक है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर सेक इफेक्ट में आ जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारा पांचवा वाला इफेक्ट है आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। दोस्तों कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको अपने 100 बिट मार्क में आ जाना। दोस्तों 100 बिट मार्क में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एरो पे क्लिक करके आपको पांचवें बिट मार्क पर आ जाना है। ठीक है, आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो पांच वाला बिट मार्क यहाँ पर है। ठीक है, तो गाइस इसके ऊपर जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो पे क्लिक कर देना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर जहाँ तक हमारा जो पांच समय जो कि पांच नंबर बीट मार्क, ठीक है, तो आपको जब आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा बीट देखने को मिलेगा जो कि हमारा 5-12 जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस हमारा जो पांच नंबर बीट मार्क है पूरा यहाँ तक है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। फिर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तीन नंबर इफेक्ट। ठीक है, आपको जो जो पीछे में आप तीन नंबर लगाए थे आपको यही वाला इफेक्ट लगा लेना जो कि गाइस ये वाला है। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा यहाँ पर आपको जो तीन नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है तीन नंबर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, एरो पे क्लिक करके आपको आगे आना है और आप जब आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को जाता है छः नंबर इफेक्ट। ठीक है, तो आपको नंबर भी याद रख लेना है जो कि हमारा 6-2। ठीक है, तो आपको बैक कर लेना है। दोस्तों बैक करने के बाद आपको सही इफेक्ट में चले आना है। दोस्तों यहाँ पर आपको आने के बाद आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, तो आपको 6 वाला जो इफेक्ट इस पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। दोस्तों कॉपी इफेक्ट करने के बाद 100 बिट मार्क में आ जाए। दोस्तों 100 बिट मार्क में आ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एरो पे क्लिक करके आपको आगे आना है फटाफट, जो कि मैंने बताया था आपको 5-5 तक। ठीक है, जो कि हमारा 5-6 तक था। ठीक है, तो आपको वहीं पर आ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वहीं पर आ जाना है जो कि हमारा 5-5 सेकेंड तक था। आपको जब नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो कि छठा वाला इफेक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो फोटो होगा आपको क्या करना पड़ेगा, इस फोटो पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ऊपर आप आएंगे तो आपको इस फोटो पे क्लिक कर देना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देना है दोस्तों। ठीक है,
तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि हमारा कहाँ तक है, 6 नंबर हमारा यहाँ तक है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि हमारा जो फोटो आपको यहाँ तक, इस फोटो को इफेक्ट पर करके पेस्ट कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको जो सेकेंड पासवर्ड है मैं आपको शो कर, जो थर्ड वाला पासवर्ड आपको मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। आपके स्क्रीन पर जो थर्ड वाला पासवर्ड है वो शो हो रहा होगा, आप जाकर के फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है ऐड वीडियो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो ऐड कर दिया है, तो आपको आगे आएंगे तो 6 नंबर दिख रहा है, तो आपको 6 नंबर इफेक्ट अभी लगा लेना जो आपको मैंने अभी बताया था। फिर आपको आगे आना है और यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 नंबर, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो कि 1 नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो इसको ऊपर गाइस आना है, आपको देखने को मिलता है जो कि ये वाला फोटो, इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। आपको कॉपी इफेक्ट इस तरह से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और 1 नंबर जहाँ पर आपने आपको छोड़े थे आपको वहीं पर चले जाना है, फिर आप नीचे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा 1 नंबर हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो दिख रहा है आपको इसको ऊपर आना है, इस फोटो पर क्लिक कर देना है, इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके इस तरह से पेस्ट कर देना है, हमारा हो जाएगा। फोटो पर क्लिक करके आपको आगे आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा है 2 नंबर, ठीक है। आपको जो पीछे 2 नंबर था वही इफेक्ट आपको यहाँ पर लगा देना है। आपको जो दिख रहा है 4 नंबर, 4 नंबर वाला इफेक्ट भी आपको जैसे दिख रहा है वैसे लगा देना है। फिर आपको 5 नंबर भी आपको मैंने पहले ही लगा के दिखा दिया था, तो आपको पीछे से जाकर के यहाँ पर आपको जो 5 नंबर इफेक्ट, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 5 नंबर इफेक्ट जो कि हमने अभी लगाया था, तो इसको आपको लगाकर उस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक है, हमारा हो जाएगा। फिर 6 नंबर भी आपको वैसे ही सब कर देना है। फिर आप आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपको आगे देखने को मिल जाता है आपका 5 नंबर, तो 5 नंबर इफेक्ट भी आपको वैसे ही लगाना जैसे मैंने आपको भी बताया था। आपको फिर यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऐड गर्ल जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपको एरो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 नंबर इफेक्ट, तो आपको वैसे ही लगा लेना है। फिर डायरेक्ट 2 नंबर 3 नंबर आपको भी वैसे ही लगा देना है, ठीक है। फिर आप एरो पे क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 7 नंबर, ठीक है। तो गाइस 7 नंबर इफेक्ट कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस आपको बैक करना है और नंबर याद रखना आपको 32 सेकंड है, ठीक है। आपको बैक करना है, ठीक है, और आपको सेक इफेक्ट पे आ जाना दोस्तों। यहाँ पर आपको देखने मिलता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जो 7वां वाला इफेक्ट आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको बैक करना है, अपने 100 बिट मार्क में आ जाना है दोस्तों। 100 बिट मार्क में आ जाने के बाद आपको 32 सेकेंड तक चले जाना है जो कि आपने अभी छोड़ा था, ठीक है। 32 सेकेंड पर आपको आ जाना है जो कि हमारा ये 32 सेकेंड है, ठीक है। तब वैसे यहाँ पर 32 सेकंड आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 7 नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जो फोटो दिख रहा है आपको 7 नंबर वाला इफेक्ट जो आपने अभी कॉपी किया था, ठीक है। तो दोस्तों जो आपने अभी कॉपी किया था तो आपको इस फोटो पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है दोस्तों। आपको 7 नंबर इफेक्ट कहाँ तक है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो वैसे यहाँ आपको 7 नंबर इफेक्ट हमारा यहाँ तक देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो जितने फोटो होंगे सब पर हमारा 7 नंबर वाला इफेक्ट ही लगने वाला है, ठीक है। तो आपको इस पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके पेस्ट कर देना दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा। फिर एरो पे क्लिक करके आप आगे आएंगे, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर और भी नंबर देखने को मिल जाता है जो कि उसके बाद कैसे आप आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा 8 नंबर इफेक्ट, ठीक है। तो आपको नंबर याद रखना है 38 22 है, तो आपको बैक कर लेना है और यहाँ पर आपको सेक इफेक्ट पर चलेना है और जो लास्ट वाला हमारा इफेक्ट ये 8 वाला इफेक्ट है, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है दोस्तों। कॉपी करके आपको बैक कर लेना और अपने 100 बिट मार्क में आ जाना है और जो हमारा टाइमिंग था वो यानी कि 38 सेकेंड तक था, तो आपको लास्ट में जो आपका था 38 सेकेंड आपको वहीं पर भगा किस तरह से चले जाना है, ठीक है दोस्तों। आपका जो दिख रहा है यहाँ पर 38 सेकंड आपको नीचे आना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि हमारा है 8 वाला इफेक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर गाइस जितने फोटो होंगे सब पर हमारा यही इफेक्ट लगने वाला है, तो इसके ऊपर गाइस जितने फोटो होंगे सब पर हमारा ये लगेगा। फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके इस तरह से कॉपी इफेक्ट पेस्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6 नंबर इफेक्ट जो हमने पीछे लगाया था वैसे आपको इसको लगा देना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसको आप एक्सपोर्ट करना दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो दिख रहा है सेटिंग आपको इस पर क्लिक करना और इसको इस तरह से एक्सपोर्ट कर देना दोस्तों। ये आपका मात्र करीब 20 मिनट भी लग सकता है, 30 मिनट भी लग सकता है, ठीक है, आपके डिवाइस के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और प्यार से इंटरेस्टिंग वीडियो में।